उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान कुछ सीटों पर काफी हंगामा देखने को मिला, चाहे कानपुर की सीसमऊ सीट हो या फिर मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर की सीट। मीरापुर की सीट की बात करें तो यहां पर पुलिस कर्मियों और साथ ही वोटर्स के बीच काफी हंगामा देखने को मिला। तो वहीं सीसमऊ सीट पर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाए कि यहां पुलिस अधिकारी महिला वोटर्स के नकाब हटाकर उनका चेहरा और साथ ही पहचान पत्र चेक कर रहे हैं, जो कि उनका अधिकार नहीं है। वहीं वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो वोटिंग प्रतिशत 2022 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस उपचुनाव में काफी कम देखने को मिला। वहीं एग्जिट पोल की बात करें तो जेवीसी टाइम्स नाउ नव भारत के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को यहां पर 6 सीटों से जो है आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो ये माइनस में है, यानी समाजवादी पार्टी को एग्जिट पोल के अनुसार 3 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। अदर्स की बात करें तो अदर्स जो है यहां पर एक भी सीट जीतते नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए, अगर हम पिछले 2022 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तो 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन अगर हम एग्जिट पोल को यहां पर देख रहे हैं तो बीजेपी जो है 1 सीट से आगे यहां पर दिखाई दे रही है, तो वहीं सपा जो है 2 सीटें माइनस में यहां पर चल रही है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं सीट वाइज, तो कुल सीटें जैसा हमने आपको बताया कुल 9 सीटें हैं। 9 सीटों में सबसे पहले अगर हम खैर की बात करें तो खैर में जो है बीजेपी यहां पर जीत सकती है, तो वहीं कुंदरकी में समाजवादी पार्टी, मझुआ में बीजेपी, सीसामऊ में समाजवादी पार्टी, गाजियाबाद की सदर सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी, जो कि बीजेपी के लिए एक सेफ सीट मानी जाती है। मीरापुर की बात करें तो यहां पर आरएलडी जीत सकती, यानी कि बीजेपी ही यहां गठबंधन में है आरएलडी के साथ। वहीं करहल की बात करें, जो कि सपा का गढ़ माना जाता है, तो करहल में समाजवादी पार्टी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है इस एग्जिट पोल के अनुसार। वहीं कटहरी की बात करें, कटहरी में बीजेपी और फूलपुर में भी बीजेपी यहां पर एग्जिट पोल के अनुसार जीत सकती है। अब यहां पर देखिए, जिस तरह से एग्जिट पोल यहां पर सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी पीछे है और भारतीय जनता पार्टी यहां पर आगे दिखाई दे रही है, और जो बाकी अदर्स हैं वो यहां पर शून्य नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब परिणाम आएंगे तो क्या ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बन पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।